हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए, आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। और पूरी मेहनत के साथ मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और पूजा करने के बाद फिर मुझे कहीं जाना है, तो वीडियो तो शायद नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ आने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। मैंने पानी ले लिया है पूजा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि धीमहि प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि धीमहि प्रचोदयात्। ॐ भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गवते देवस्य धीमहि धीमहि प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गवते देवस्य धीमहि धीमहि प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वर्ण्यं भर्गवते देवस्य धीमहि धीमहि प्रचोदयात्। ॐ साईनाथाय नमो नमः। 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 मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घनश्याम। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घनश्याम सवरिया। कोई न सहारा बिना तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे
चलिए तुलसा जी में दे देते हैं पानी ऊपर जा करके। ये देखे कोने में रखे हैं गन्ने जो हम गांव से लाए थे, बच्चों ने इस बार गन्ने खाए ही नहीं। इस सीज़न होता है हर एक चीज़ का, सीज़न में ही अच्छी लगती हैं। इस बार बच्चों ने एक दो ही गन्ना खाया है, जबकि सुहाना और चीकू को बहुत पसंद है गन्ने, इन्हीं की वजह से लाती हूँ मैं गन्ने। नहीं तो हम लोग तो इतना नहीं खाते, पर हमेशा इन लोगों की वजह से ही लाती हूँ। ये देखे टफी ऊपर छत पे ही था और ये यहाँ श्रेया के साथ खेलने लग गया है। मुझे देख के तो ये बैठा ही रहा, लेकिन जैसे ही श्रेया को देखा तुरंत भाग आया। वो बच्चे तो बच्चे, मुझसे टफी भी डरता है सब बच्चे डरते हैं मुझसे, टफी भी डरता है, जैसे कि एक हिटलर। जैसे मैं बोलती हूँ कि टफी नहीं नो बैठो चलो ये करो, तो वो तुरंत सुन लेता है। नहीं तो सबको ऐसे चढ़ता है ना ऊपर सबके प्यार करने के लिए, और मैं मना कर देती हूँ तो वहीं के वहीं बैठ जाता है। बहुत समझदार है टफी, होते ही हैं वैसे डॉगीज़ ना समझदार। तो यहाँ देखिएगा तुलसी जी की परिक्रमा कर रही हूँ मैं, और ये पानी दे दिया है। और इस पर भी एक दिन आया था नीचे गमलों को पेंट करने वाला, तो आंटी ने इस पर भी पेंट करा दिया था। और यहाँ ये मेरा नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैं काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था और ये यहाँ प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे प्रेस करने के लिए भी। और यहाँ मैं श्रेया को कह रही थी, तो श्रेया बोल रही थी मम्मी आज तो आपने जो तय बनाने वाले कपड़े हैं उनके भी उन पे भी प्रेस ही कर दी। मैंने कहा शुरू से यही आदत है मेरी रही है कि कपड़ों का तय बनाने में तो बड़ी आलस आती है, लेकिन प्रेस चाहे कितने भी कपड़ों पे करवा लो, वो तो मैं मजबूर हो गई थी थोड़े कुछ दिन, और अब तो थोड़ा कर लेती हूँ, रुक रुक के कर लेती हूँ। ये देखिए देहरादून का मौसम, भयानक हवा चल रही है, तूफान आ रहा है पूरा चारों तरफ से। ये देखिए 7 बजे हैं और इस तरीके का कुछ यहाँ का आज नज़ारा है। लाइट चली गई है, लाइट जाने की वजह से ही मैं ऊपर आई हूँ। ये देखिए बहुत तेज़ तूफान है, बार 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 बार। ये देखिए कितने तेज तूफान है और बादल हैं भयंकर, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बादल हो रहे हैं, बारिश पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन बादल काफ़ी हैं। और मैं लेके आई हूँ अपनी कॉफ़ी, ऊपर कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे। मौसम अच्छा है, बढ़िया सुहाना है, नहीं इतनी धूल नहीं है, हवा ज़रूर तेज़ है, धूल इतनी नहीं है, भयंकर तूफान है, बढ़िया। आइए आप भी कॉफ़ी पी लीजिए, ये देखिए और अच्छा लग रहा है। अब गर्मी भी आज बहुत, 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही थी अभी ना, ऐसा लग रहा था जून मई जून का, अप्रैल तो है ही, चलो अप्रैल का लास्ट ही चल रहा है और मिड है अप्रैल का शायद। और अच्छा कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत अभी देहरादून में भी संडे लॉकडाउन ही सुन रहे हैं कि संडे का लॉकडाउन लगेगा देहरादून में भी, और वैसे तो सब जगह का यही ये देखिए चेयर कैसे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको चेयर कैसे आई है हवा में उड़ के, इधर आ गई उड़ गया हवा में, देखो कैसे उड़ रही है। और बहुत बुरी तरीके से कोरोना फैल रहा है फिर से, वैसे सरकार नहीं चाह रही है कि वो लगे लॉकडाउन, लेकिन बहुत भयानक तरीके से रोज इतने इतने एक्टिव केस आ रहे हैं, भयंकर, क्या कर सकते हैं, बस घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लेकिन कब तक घर में रहा जाए ये भी है कि बंदा कब तक घर में रहेगा, करने खाने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो लोग अब स्कूल्स दोबारा बंद हो चुके हैं, कोचिंग सेंटर का भी सुनने में आ रहा है कि बंद होंगे, और पार्लर
जिम सब बंद हो गए हैं। आज ही उत्तराखंड की भी हो गई, कर देती हूँ। आज ही उत्तराखंड की न्यूज़ आया है कि बंद होंगी ये सब चीज़ें। ऑटो में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, बसों में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो कम कम पैसेंजर लेके बसें चलेंगी उस तरीके से। लापरवाही भी लोगों ने बहुत कर दी थी, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो गई थी कि उसमें हम भी हैं, सभी हैं, हम लोग ही कौन से कम थे। हर जगह जाना, घूमना फिरना, मन किया मास्क लगा लिया, मन किया उतार दिया, लेकिन अब फिर से डर लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो आप लोग भी घर में रहिए और सेफ रहिए। ज़रूरत है कुछ ज़्यादा, देखिए मेरे बालों से पता चल रहा होगा कितनी तेज हवा है। तो ज़रूरत है कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो जाइए बाहर, नहीं तो घर में ही रहिए। बच्चों को भी मत जाने दीजिए, क्योंकि इस बार का जो कोरोना है वो बच्चों में, बड़ों में, सब में हो रहा है। और चाहे किसी ने वैक्सीन लगाई है चाहे नहीं लगाई है, उसके बावजूद भी हो रहा है। तो आप सब घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ा।